हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो लेके। तो उम्मीद करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। नए दिन की नई शुरुआत के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के साथ। तो आज मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया है, काफ़ी ठंडा हो रहा सुबह, तो हमने नहा लिया है, मैंने भी नहा लिया। तो आज हमारे यहाँ जागर है, तो इसीलिए अभी भैया मंदिर में पूजा कर रहे हैं, सबने नहा लिया। और मम्मी और अंजू बच्चे हैं, अभी अंजू नहाने जा रहे, तो भैया तो हमारे मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उसके बाद वो गांव के सभी मंदिरों में जाएंगे। अभी तो अभी सुबह लगा रहे हम जागर, वैसे तो रात को लगती है बट हम सुबह ही लगा रहे, शादी से पहले लगा रहे ना, शादी के बाद कुछ टाइम तक नहीं लगती, तो इसीलिए हम शादी से पहले लगा रहे हैं। तो जो हमारे पितर होते हैं उनका नाम लेते हैं ना शादी, मतलब जागर के लिए, तो इसीलिए। और यहाँ हस्बैंड जी को इतना ठंडा हो गया है कि चूल्हे के पास ही बैठे हैं नहा के। यहाँ देखो ठंडा हो गया तो भाई, भैया हमारे पूजा कर रहे हैं। हाँ दोनों को काफी ठंडा हो रहा है, यहाँ दोनों की निकल गई है यहाँ जाड़ों की जैकेट। तो हमने ठंडे पानी से नहाया, ठंडे पानी से नहाया। अच्छा अभी भैया लोग जाएंगे मंदिर, गांव के सभी मंदिरों में जाएंगे, पूजा करके आएंगे। जाओ तो भैया लोग तो मंदिरों में चले गए हैं, तब तक हम करते हैं घर में काम। अभी आ जाएंगे वो जागर लगाने वाले, तो तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। आज इतना ठंडा हो रहा है ना बावरे, मतलब जाड़ों के दिनों जैसा ही लग रहा है, हाथ और पैरों में इतनी ठंडक अरे ही जा रहे हैं बिल्कुल ठंडे से, जैसे जाड़ों के दिनों में होता है ना वैसे ही हाल हो रहा है आज। तो उनकी तो उनको तो ठंडा ज़्यादा हो रहा है, उन्होंने अपनी जैकेट भी निकाल ली है। तो अभी मैं यहाँ ऊपर वाले कमरे में दरी वगैरह बिछाती हूँ, मंदिर वाले कमरे में ही लगाते हैं हम जागर। तो अंजू नहाने जा रहे, तब तक मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों भैया लोग मंदिर से आ गए हैं और अभी मम्मी दूध गर्म करेंगे, हम दूध पियेंगे, उसके बाद गोबर फेंकेंगे। अभी वो जागर वाले नहीं आए हैं और आज टीका मुझे भैया ने लगाया है मम्मी की तरह यहाँ से यहाँ तक। तो अभी दूध पियेंगे पहले, फिर गोबर फेंकेंगे। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं लौकी की सब्जी, दाल वाली है, दाल भिगोने के लिए डाली है, ये बनाएंगे। और आटा भी मैंने गूंथ लिया, अभी नाश्ता बनाएंगे उनके लिए। तो दोस्तों हमने सारा काम भी कर लिया है और अभी जागर वाले भी आ गए हैं, मौसी और मौसा जी भी आए हैं, वहीं के गांव से आए हैं ना वाले भी लोग। तो अभी उनके लिए हम नाश्ता भी बनाएंगे, पहले जागर लगेगी। तो अभी यहाँ तैयारी भी चल रही है सब्जी बनाने की। तो दोस्तों अंदर जागर स्टार्ट भी हो गई है और हम तो बाहर ही हैं, पानी भर रहे क्योंकि आज हमारी लास्ट बारी थी और पानी अभी आ रहा है, दोनों काम एक साथ हो गया। खाना बनाएंगे, रोटियां थोड़ी देर में बनाएंगे, तब तक पानी भर लेते हैं। अंदर वाले रूम में, ऊपर वाले रूम में लग रही है जागर और यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं हस्बैंड जी और हम लोग पानी भर रहे। तो दोस्तों अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, ये हमारी मौसी खाना खा रहे हैं। हेलो बोलो, खाना खा रहे हो? जागर हो गई है कंप्लीट और अभी खाना खा रहे हैं सभी लोग, हमें मम्मी बैठे हैं, अभी हम भी खाएंगे, पहले मौसी जी को खिलाते हैं, मौसा जी ने तो खा लिया। तो दोस्तों खाना आना खा के अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर, मतलब हमने साड़ियाँ दी थी ना तो वही लेने जा रहे हैं आज। तो खाना खा के अभी मैं और अंजू जा रहे हैं राम मंदिर और इतनी तेज़ धूप है ना, अभी करेक्ट 12 बजे हैं, वैसे 1 बजने वाले हैं अब। तो हम जा रहे हैं राम मंदिर, हमने वहाँ साड़ियाँ दी थी तो वही लेने जा रहे हैं और एक साड़ी और देने जा रहे हैं जो अंजू की है पार्टी वाली। तो भैया लोग परसों ही लेके आए हैं ना, तो उसी का ब्लाउज सिलना है, वो तो पहचान के ही है, जल्दी सिल देंगे। तो चलते हैं और काफ़ी कड़ाकेदार धूप लग रही है अभी, अंजू पीछे सारे चलते हैं, साड़ी भी दिखाएँगे और एक सूट भी है, सूट की तो फिटिंग ही करनी है बस, ब्लाउज और साड़ी दिखाऊँगे भी अंजू की आपको, वहाँ जा के दिखाएँगे। अब फाइनली अपनी दीदी के शॉप पे पहुंच गए हैं हम, तो इतनी ख़तरनाक वाली धूप थी अभी तक, चलते हैं उनकी दुकान रोड की जस्ट नीचे। ये है अंजू की साड़ी, अंजू की, ये हमारी दीदी, इनकी शॉप फिर है ब्यूटी पार्लर सब है। तो ये चला।
तो दोस्तों अभी हम अपनी दीदी के ही हैं। थोड़ा आईब्रो बनाए मैंने काफ़ी टाइम बाद, पूरे एक साल बाद बनाए, सोच लो इतना दर्द हो गया है। वैसे दीदी काफ़ी आराम से बना रहे थे हमारे। अभी थोड़ा यहाँ और रुकते हैं फिर जाएंगे घर को। मेकअप टाइम जी करा रहे हैं। तो हमने करा लिया है, वैसे कुछ नहीं किया हमने, बस आईब्रो बनाए हैं और उसमें ही इतना ज़्यादा दर्द हो गया ना, बाप रे। अंजू को तो अभी तक दर्द ही होने में आंसू तो निकल नहीं है आँख से आईब्रो बनाने में। तो आप जाएंगे घर को, थोड़ा दीदी गए हैं दुकान पे, वेट करते हैं उनका। दीदी गए थे शॉप में, अभी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं हमारे लिए हमारे लिए खातिरदारी के लिए गए हैं हमारे। अच्छा ये आ गए हमारे दीदी, सेवा पानी भी कर दी है इन्होंने हमारी। धन्यवाद धन्यवाद दीदी का। आज दीदी ने तो हमारे यहाँ पार्टी करा दी, ब्लॉग देखते हैं ना मेरा। हाँ बिल्कुल, और शादी में आपको जरूर आना है। बोलो, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और क्या कहते हैं, अब दीदी शादी में जरूर आएंगे और मैंने सबके सामने हम आपको मिलेंगे शादी में। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। हाँ ठीक है, अभी हम चलते हैं घर को। बाय बाय। ये हमारी दीदी, हमारे अब एक ही जगह के हैं दोनों, एक ही गांव से। हाँ अभी जाएंगे, बहुत अच्छा लगा हमको आपसे मिलके, बहुत बहुत ज्यादा मिस करेंगे। ठीक है आपको, और शादी में तो जल्दी आना, शादी में जरूर आना है। अरे हाँ शादी में मिलना है, परसों दो दिन के बाद फिर मिलना ही है। हाँ ठीक है चलो, बाय बाय दीदी। बाय, फिर मिलना। हाँ जरूर आना। हाँ अब हम चलते हैं घर को, और वहाँ हमारी सब्जी की गाड़ी भी आ गई है, अब हमको सीधे इसके बाद सब्जी लेने जा रहे हैं पातली बगर। तो अभी दौड़ लगा के घर को जाते हैं, वैसे अभी उतनी धूप नहीं लग रही जितने आते टाइम थी। चलते हैं, धूप से प्रोटेक्शन के लिए अपने फेस को कवर करके जाना पड़ रहा, और दीदी की फ्रूटें भी काफ़ी काम आएगी हमारे, इतनी ख़तरनाक धूप है ना और ऊपर से चढ़ाई। चलते हैं घर को, जो आगे से है मेरे मम्मी, मेरे फेस पे भी गोर क्या कर ले रहा है दोनों। अरे जितने पैसे फेस में लगा दिए, कहाँ से लाते हैं पैसे? आज शादी किससे होती है? तुम्हारी फेस से सब पैसे वगैरह खत्म हो गए। सेफ्टी। तो दोस्तों अभी हम इनको अपने दरवाजों पे लगाने वाले हैं माला, हमने धो लिए, ये राजस्थानी वाले हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे। तो अभी हम इनको लगाएंगे रूम के बाहर, यूनिक है कुछ, छतरी टाइप्स गणेश जी बने हैं, लगाते हैं इनको अभी दरवाजों पे। तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं सब्जी लेने पातली बगर, मतलब सब्जी तो हमारे पहले ही आ गए हैं, तो अभी पूरे गांव में बोला है हमने, सब्जी थोड़ा ज़्यादा है। पहले हमने सोचा था कि आधे गांव में कहेंगे, आधे लोग पहले सामान ला गए हैं ना, बट सामान ज़्यादा है तो इसीलिए पूरे गांव वाले आ रहे हैं। गाँव में तो ऐसे ही होता है, बड़ा अच्छा लगता है सब मिल के काम करते हैं। और भैया लोग गए हैं हमारे, मतलब हस्बैंड जी तो मेरे वहीं गए हैं दुकान में, और भैया गए हैं वहाँ मलेरा, मतलब हमारा वो उनके ससुराल से भी कुछ सामान आ रहा है ना, तो वो वहाँ गए हैं, उनको रास्ता बताने के लिए वो घर तक आएंगे ना, तो हम लोग वहाँ जाते हैं और सब्जी लेके आते हैं। पातली बगर जाना है सब्जी के लिए भी, चलते हैं अभी हम। इतनी चढ़ाई पार करके जाना है, बाप रे। तो दोस्तों फाइनली हम तो पहुँच गए हैं घर, बाकी लोगों भी पीछे ही है, हम आधे आए हैं, उतना भारी बाप रे चढ़ाई थी ना पूरी। सबके लिए है कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों दोनों सामान एक साथ आया, सब्जी भी और भैया वाला सामान भी। तो दोस्तों हमारा टेंट वाला सामान भी आ रहा है, आधा आ गया, सुबह से लाने में ही है। और अब यहाँ सब्जियों को हम संभालने वाले हैं, ये सारी है सब्जी। तो जितनी भी सब्जी है हम उसको यहाँ पे रखने वाले हैं बेड पे। सारी सब्जी यहाँ सेट हो गई है, इसको खोल लेते हैं। टमाटर है ना इसमें, टमाटर सब्जियाँ बाहर ही रहेंगी फ्रेश हवा के साथ। तो दोस्तों अभी ऊपर रूम पे होगा सामान सेट,
ये भैया के ससुराल से आया है कुछ सामान, बेड, गोदरेज और शीशा वाला, तो उन्हीं को ऊपर सेट करेंगे अभी रूम पे, फिर आपको दिखाएंगे। अभी चार लोग गए हैं वहाँ, चाचा जी और अंजू भी गए हैं, सामान ही बिखरा है बाहर से। तो दोस्तों फाइनली भैया का रूम भी सेट हो गया है, तो अभी हम अपना काम करते हैं, सब्जी वगैरह की तैयारी। और आज की वीडियो को भी इतना ही रखूँगी, उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल मिलूँगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।